खाते वक्त अगर मुंह में कंकड़ का एक दाना भी पड़ जाता है तो पूरे खाने का स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन 75 साल की कुसुमावती देवी हर दिन एक पाव से आधा किलो तक बालू खाती है। जी हाँ, देखने सुनने में आपको यह भले ही अजीबोगरीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है। कुसुमावती देवी उम्र के अंतिम पड़ाव पर जरूर है, लेकिन वो आज बेहद चर्चा में है। कुसुमावती देवी की माने तो 18 साल की उम्र में एक वैद्य के कहने पर उन्होंने कंडिकी राख खाना शुरू किया, जो धीरे धीरे बालू में बदल गया है। ये बालू आप कब से खा रही हैं? 20 साल का रही तब से खाते। अच्छा, इसको खाने से कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत होती। आपके बच्चे मना नहीं करते हैं? बच्चे मना करते, हम मानती नहीं। अच्छा, हम ना माने। इसको खाने से आपको कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ? नहीं, जब ना खा हमको नींद नहीं आई, कौन मरज हो जाएगी। अच्छा, नहीं खाते तो नींद नहीं आती? नहीं। आँख से दिखाई भाई सब कुछ पड़ता है? हाँ, खीस दिखाला सब। ये फॉर्म दिख रहा है यहाँ? हाँ, पे सब फार्म हम ही देखी ला। अच्छा, आप ही देखती हैं, सारा काम आप ही करती इधर से? अच्छा, इससे पहले कुछ और भी खाई है? बालू और राखी खाता पहले, कंडा हुआ गाय का। अच्छा, गाय की राखी? हाँ, कंडा। अच्छा, शुरुआती दिनों में कुसुमावती देवी का बालू खाना अब दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। सुबह चाहे नाश्ता भले ही ना करती हो, लेकिन समय से बालू जरूर खाती हैं, और वह भी गंगा बालू, जिसके लिए इनके नाती पोते बकायदा इंतजाम करते हैं और यह उसे धुल करके खाने योग्य बना लेते हैं। कुसुमावती देवी गाँव के लिए तो आश्चर्य है ही, साथ ही अपनी कर्मठता और निरोगता के लिए भी काफी जानी जाती है। सब लोग मना करते हैं, लेकिन इनको जो वैद्य जी बता दिए हैं उसी को अभी फॉलो कर रही है। इनको कोई रोग? कोई रोग नहीं। पहले से ही नहीं है कि बालू खा रही है? तब से नहीं है। जब से हम लोग देख रहे हैं तब से तो कोई रोग नहीं है इनको। तो ये कुछ और तो करती है, कुछ मतलब जहाँ रहती है वहाँ कुछ और काम करती है? हाँ, यही पोल्ट्री फार्म चलाती है अपना, और खेती का पूरा काम करती है। अच्छा, करती है? मतलब कोई असकत नहीं है? ना ना, हमेशा ये चलती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में रहने वाली कुसुमावती देवी एक पोल्ट्री फार्म चलाती हैं और खेत के एक छोटे से हिस्से में घर बनाकर रहती हैं। कुसुमावती देवी के दो बेटे हैं, जिनके तीन बच्चे भी हैं। एक भरा पूरा परिवार है, लेकिन वो अपनी जिद और कर्मठता की वजह से एक अलग घर में ही रहती हैं और मनमाने तरीके से बालू का सेवन करती हैं। गांव के लोग बताते हैं कि उन्हें होश नहीं है कि वह कब से बालू खा रही है। इसको हम लोग लाते हैं जो है, ये उसको 10 पानी लगभग धोती है, धोने के बाद जो सुखवा कर उसको अच्छे तरीके से रख के अपन धीरे धीरे खाती है। पिछले 40-50 सालों से कुसुमावती देवी लगातार दिन में 3 टाइम बालू खाकर जीवन यापन कर रही हैं। अपने बालू खाने की आदत से पूरे क्षेत्र में कुसुमावती देवी न सिर्फ जानी जाती हैं, बल्कि पहचानी भी जाती हैं। कुसुमावती देवी का कहना है कि अगर वो रेत और बालू ना खाएं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आज स्थिति यह है कि दिन प्रतिदिन इनके बालू खाने की रफ्तार और तेजी से बढ़ती जा रही है।